ड्यूटी के दौरान में बगल वाले स्टॉप पर कुछ सामान लेने गए थे, पीछे से एक मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है आया और निहत्थे पुलिस वाले पर पीछे से हट गया, जिसमें हमारे दो जवान पुलिस जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल लाए, वह आशा के साथ कि डॉक्टर साहब भी बहुत प्रयास किए उनको सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन दोनों मार्टियर हो गए और ये इंसिडेंट हुआ। सर, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है तो क्लियर एक ब्रूटल किलिंग दिखाई दे, बिल्कुल एक ऑडिट एक्ट है मिलिटेंट का, और इस एक्ट से पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्स को और मन से काम करने का एक प्रेरणा मिलती है। हम लोग और पूरी एनर्जी के साथ करेंगे, इस एरिया को जितने भी मिलिटेंट्स है इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम लोग, और सिक्योरिटी भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सिक्योरिटी ग्रिड में कहीं लूप होल्स है, कहीं कमी है, उसको पूरा कर लेंगे हम लोग, और सिटी में इनको पहुँचवाने का मौका ही नहीं है। सर, कोई आइडेंटिफिकेशन पुलिस स्टेशन के सामने ये अटैक किया गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी अब चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि इस तरीके के अटैक बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने अंजाम देना एक बहुत बड़ी बात है, और वीआईपी मोमेंट भी रहती है। आप बिल्कुल, आपका कहना सही है, लेकिन जहाँ पर डिप्लॉयड होता है उससे, जैसे आप लोग देखे होंगे कि आई साइड से लेफ्ट साइड में है नजरी मिला, जहाँ पुलिस खड़ी रहती है उनको दिखाई नहीं पड़ा होगा, वहाँ से दुकान में चले गए थे। हालांकि अगर हमारे भी पुलिसकर्मी के साथ हथियार उसमें रहता तो ये भी डिटेक्ट कर पाता था, बेचारा उस टाइम निहत्थे थे और पीछे से अटैक किया, जैसे आप लोग सीसीटीवी कैमरा में देखे होंगे, उनको पता भी चला होगा कि पीछे आया हुआ है मिलिटेंट। सर, पहचान होगी लश्कर तैयबा का, उसमें एक शाकिब है जो बरजुला के बिलोंग करता है, एक एफटी है, और इसको हम लोग बहुत जल्दी निपटेज करेंगे। तो वहाँ पे आम नागरिकों का कहना है कि उनका एक बेटा जो है मुदस्सिर अहमद, वो निर्दोष है, वो बाहर आया था, तो मानसिक तौर पर भी वो ठीक नहीं है, उनका ये कहना है परिवार वालों का, तो आप इसको कैसे देखोगे, क्योंकि उसको भी अरेस्ट किया गया है फिलहाल। किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, वहाँ पर जब कॉर्डन सर्च चल रहा था तो वो पूछताछ के लिए बुलाया कि कुछ देखे हो, अरेस्ट किसी को अपने नहीं किया।